और शेयर कर दीजिएगा। बात वही है जी कि मैं कंबल को छोड़ना चाहती हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ा। तो मेरे पास आज ही बात करने के लिए दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, दो चैप्टर हैं मेरे पास। एक तो है बाप के हवाले से और दूसरा है निशो बेगम और फिल्म स्टार साहिबा के हवाले से। मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं है जी, मेरा कंसर्न अगर है तो सिर्फ बाप से है, बाप के रिश्ते से है, और मेरा और किसी से कोई कंसर्न नहीं है। अगर बाप को मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, तनकीद कहने उसको या दुख का इजहार कहने मैंने किया था, और जिस पे मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, फॉर भी आए अगेंस्ट भी आए। और जाहिर सी बात है कि अगर बाप को बुरा कहा जाएगा तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आएगा और मैं बोलूंगी। मैं आपको जवाब देने पे आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं जवाब दूं, और अब मैं आपको जवाब दे रही हूं कि बाप गलत नहीं होता। ये हमारे मोशरे के लोगों ने माइंड सेट कर लिया अपना कि बाप बुरा आदमी है, बाप गंदा आदमी है, माँ जो है वो एक अजीम हस्ती है सिर्फ दुनिया में, बाकी बाप का कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है औलाद के लिए, सिर्फ माँ जो है वही ठीक है। ऐसा नहीं है, माँ भी ठीक है, माँ भी अच्छी है, और बाप का रिश्ता जो है वो भी एक खूबसूरत रिश्ता है। बाप भी सही होता है, बाप बुरा नहीं होता, सिर्फ उसे मोशरे के लोगों ने ऐसा अपना माइंड सेट उसके मुतल्लिक कर लिया है कि अब हर बंदा यही कहता है कि बाप बुरा है। बचपन से ही मैं भी यही सुनती आ रही हूँ, और माँ से सुना, सास से सुना, बहुत सारी और सारी खवातीन से सुना, औरतों से, जो वो यही कहती हैं कि हमने तुम्हारे बाप के साथ जो है ना बहुत मुश्किल से निभा लिया है, और तुम्हारा बाप जो है गलत और बहुत गंदा आदमी था, जिसने मेरा जीना हराम किया हुआ था और मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उसने, और मैं बस निभा गई हूँ। मतलब औलाद के सामने वो ये क्लियर करती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बाप जो है तुम्हारा वो गंदा आदमी है। और आगे से ये भी फिर औलाद को ब्लैकमेल कर लेती हैं कि ये ना हो कि औलाद बाप की तरफ, बाप की साइड थोड़ी सी ले, तो वो ये पहले ही बता देती है कि तुम्हारी जन्नत मेरे पाँव में है, जन्नत इधर है, वहां नहीं है। वो ये नहीं बताती कि माँ के अगर पैरों में जन्नत है, बेशक है, ये नहीं बताएंगी कि उस जन्नत का दरवाजा कहाँ है, आपका जन्नत का दरवाजा कौन है, वो आपका बाप है। माँ जन्नत है तो दरवाजा उसका आपका बाप है, अगर वो दरवाजा नहीं खुलेगा हम जन्नत में दाखिल कैसे होंगे, ये नहीं बताएगी। बाप को ही गंदा कहेंगी, बाप खराब है, बस वो ठीक आदमी नहीं है, और माँ जो है वो अच्छी है। बहुत सारी जगहों पर माएं जो हैं वो गलत होती है, बहुत सारी जगहों पे होती हैं बाप ठीक होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर जो है वो बाप ठीक नहीं होते और माएं ठीक होती हैं। तो दोनों जो हैं, माँ भी और बाप भी, गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, और दोनों का जो मकाम है, जो उनका रुतबा है, वो बराबर है। माँ का ज्यादा नहीं है बाप से। माँ अगर दिन रात औलाद को पालती है, रात की तकलीफें झेलती है, अपनी नींद खराब करती है, सारा दिन औलाद की परवरिश करती है, उसकी हर एक चीज की केयर करती है, तो बाप क्या करता है? बाप जो बाहर से कमा के लाता है वो भी आसानी से कमा के नहीं लाता, वो भी बड़ी दुखों बड़ी तकलीफें सह के वो कमा के लाता है, और अपनी औलाद के लिए ही कमा के लाता है, क्योंकि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। जिसके साथ हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसी के लिए हम अपनी हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप अपनी बहुत सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो वो कुर्बान कर देता है। बहुत सारी जगहों पर माएं ऐसी होती हैं कि अपनी खुशियां वो कुर्बान कर देती हैं औलाद की खातिर। तो माँ और बाप दोनों बराबर हैं, दोनों का मकाम, उनका रुतबा जो है वो औलाद की नजर में बराबर होना चाहिए और है। बाप बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने वालिद को खो दिया था। मैं यही कहूंगी कि मेरा अपने बाबा के साथ एक बहुत ही टची सा एक रिलेशन था, और मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ और बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने अपने बाबा से यही देखा है ना, कि यही कॉन्सेप्ट मैंने देखा है कि एक बाप का और एक बेटी का जो रिश्ता है, मोहब्बत है, वो कितनी खूबसूरत होती है। इसीलिए मुझे बाप के रिश्ते से कंसर्न है। जो बाप के बारे में बुरा कहेगा मैं उसको जरूर जवाब दूंगी, और बाकी मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं है। और किसी
ने पूछा, किसी एक आम आदमी ने एक अल्लाह वाले बंदे से पूछा कि मुझे ये बताइए कि क्या मेरा अल्लाह मुझ पर राजी है। तो उस नेक बंदे ने कहा कि जाके अपने बाप से मिल लो, अगर तुम्हारा बाप तुम पर राजी है तो तुम्हारा रब भी तुम पर राजी है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि समझने वाले समझ जाएंगे अब, और समझ जाना चाहिए कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि बाप का इतना रोल है, माँ को ही इतना ही ना कहें कि सिर्फ माँ ठीक है, बाप की इतनी हस्ती है, इतनी वो इतना उनका मर्तबा है, इतना मकाम है कि अगर बाप आपका राजी है तो आपका रब भी आप पे राजी है। बाप गलत नहीं होता, बाप ठीक होता है, और औलाद के जहन में ये जहर माओ को नहीं भरना चाहिए बाप के बारे में कि बाप गंदा है, खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माशरे में भी इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए कि औलाद को ये जो है मैसेज ना दे अपने बाप के बारे में। तो और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जी, आज का जो दूसरा टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहूँगी वो निशो बेगम और साहिबा, फिल्म स्टार साहिबा का है कि उन्होंने अपनी एक वीडियो वायरल की, साहिबा ने अपने वालिद के साथ। वो तो खैर जो ठीक है कि कोई कंसर्न नहीं है मेरा उनसे, मेरा सिर्फ यही उनसे भी यही था कि वो बाप के बारे में उन्होंने कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मैंने थोड़ी सी तनकीद की, बाकी मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। और अब निशो बेगम ने एक अलग ही कहानी जो है वो बयान कर दी है। कहानी क्या कहेंगे, एक चैप्टर उन्होंने खोल दिया है, पूरी किताब ही है, और किताब का वो चाहती हैं कि सफ़ा ब सफ़ा जो है वो आप पढ़ते रहें और चुपी रह जाती। माम अगर अल्लाह पाक ने साहिबा को उनके वालिद से मिला ही दे तो आपको क्या ज़रूरत है इसमें बोलने की, अब नहीं बोलना चाहिए था। और अब वो भी वही बात है, हर माँ की तरह उस औलाद के जहन में जहर भरना चाह रही हैं, और वो ये बता रही हैं साहिबा को कि तुम्हारा बाप डाकू था, तुम्हारा बाप चोर था, वो मेरे घर से गाड़ी ले गया, मेरा सामान ले गया, जिसकी वजह से मैंने डर के साहिबा को छुपा दिया, और बहुत सारे ऐसी बातें वो कर रही हैं। ये भी तो वही बात है ना कि जो आम औरत करती है वो भी वही पीछे नहीं हट रही, उन्होंने भी वही किस्सा खोल दिया है, वही कह रही हैं साहिबा को कि तुम्हारा बाप चोर है। और वो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी से किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी सेपरेशन क्यों हुई, और उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा इस मामले में, वो इसीलिए शायद नहीं कहा, वो तो मुझे ऐसा लगता है कोई शरीफ आदमी क्या है, कोई गुंगा ही आदमी है जिसने एक जवाब तक नहीं दिया, और बेटी की मोहब्बत में ही नहीं दिया कि वो बेटी की जो माँ है, जो उनकी साबिका, जो उनकी बेगम थी, वो उनके बारे में क्या कह रही है, उन्हें चोर डाकू कह रही हैं, और वो बेचारा खामोश आदमी जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं, शरीफ आदमी है, नहायत शरीफ, तो अब देखने में तो अब यही आ रहा है। मैंने कहा था ना कि मामला कुछ और है, और मामला खुल के सामने आ गया है कि निशो बेगम ने अब जो है अपना जो है वो एक चैप्टर खोल दिया है, और वो यही कह रही हैं कि इनाम रब्बानी साहब जो है वो चोर और डाकू हैं। लेकिन वो ये उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनकी शादी हो गई इनाम रब्बानी साहब से तो फिर वो उन्हें मना करते रहे, जो झगड़े की, जो फसाद की जो जड़ हुई वो ये है कि इन लोगों को इनाम रब्बानी साहब ने निशो बेगम को मना किया था, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके घर वाले इस बात को पसंद नहीं करते थे कि निशो बेगम फिल्म स्टार खैर बन चुके हैं तो है, लेकिन आगे वो फिल्म इंडस्ट्री में काम ना करें, इसको छोड़ दें। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रहीं, वही औरतों वाला जिद, उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने ये नहीं देखा कि वो माँ बनने वाली हैं और अपने बच्चे के बाप को जो है वो छोड़ देंगी या खो देंगी। उन्होंने खामंद को छोड़ना ज़रूरी समझा है, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने तलाक ले दी, उनके झगड़े इसी बात पे हुए ना बेसिकली, वो खुद ही कह रही हैं, बाकी सारा कुछ ठीक था, उसकी फैमिली जो है मुझे पसंद नहीं करती थी कि वो ताने देते थे कि निशो बेगम जो है वो फिल्म स्टार हैं और ये सारा कुछ छोड़ दें। तो उन्होंने खामंद को मतलब एक साइड पे कर दिया है, खामंद का हुक्म नहीं माना, और फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने नहीं छोड़ा, तलाक लेके बैठ गई, बेटी को भी मतलब जलील किया बाप के बगैर, और अब उन्हें अगर फिर अब बैठ के अब उन्हें ताने दे रही हैं, ये भी ताने ही हुए ना कि बाप को, बाप के बारे में बता रही हैं बेटी को कि वो चोर है, डाकू है, वो ये है, वो जहर भर रही हैं, और बस अल्लाह ताला उन्हें अब
हिदायत दे। मैं यही कहूंगी सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सामने आ गया, कौन ठीक है कौन गलत है। देखने में सब यही आ रहा है कि इनाम रब्बानी जैसा शरीफ आदमी मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अगर उन्हें भी साथ बिठा लिया जाए, हम सब ने दोनों का कॉन्सेप्ट सुना है कि साहिबा का भी और निशो बेगम का भी, लेकिन इनाम रब्बानी साहब को किसी ने बिठा के ये नहीं पूछा। अगर उनसे भी अगर सुन लिया जाए ना, तो हम अपनी अपनी राय जो कायम करके बैठे हुए हैं सिर्फ निशो बेगम के ऊपर और साहिबा के ऊपर कि यही ठीक है और वो आदमी खराब है और गलत है, तो शायद हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ और होगा। अगर उन्हें बिठा के बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपकी सेपरेशन की वजह क्या थी, तो फिर सारा कुछ और बहुत कुछ ऐसी बातें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। और शायद जो हम सब अपना एक ही बात पे कायम है कि ये ठीक है वो गलत है, शायद हमारा कॉन्सेप्ट और हो। तो देखने में यही आ रहा है कि वही शरीफ आदमी है और जो खामोश बैठे हुए हैं, कुछ एक लफ्ज नहीं कहा उन्होंने, और देखने में अब यही है कि बस अब अल्लाह ताला खैर करे। और खैर मेरा किसी से और कंसर्न भी नहीं है, बाप का बाप से कंसर्न था, बाप के रिश्ते से जो मैंने कहा। और अगर भी आइंदा भी अगर कोई बाप के रिश्ते पे अगर कोई बात करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी और मैं हमेशा बोलती रहूंगी। आज का व्लॉग इतना ही, अल्लाह हाफिज़।